तो अब हम अपने हाईएस्ट व्यू पॉइंट में आ चुके हैं। वो एक घर से दिख रहा है, वो है हमारी कैंपिंग साइट। यार फर्स्ट थिंग इज लाइट इज नॉट अवेलेबल हियर, तो कैसे आपको बताएं कौन सा हुड कैसा है। सो लाइट मैंने ऊपर लगा दिए। फाइन, सो ब्रेकफास्ट अभी तक बिस्किट और चाय यहाँ पे है, सरप्राइजिंगली एक एप्पल भी है। किग्वामा से आगे ज़ोको वैली का जो चराई है ना, वो 6 किलोमीटर तक का है। वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो सीधा चराई है। अभी आप देख रहे हो ना, मतलब जो रोड जो दिख रहा है वो ही है, वैसे आना पड़ता है। बहुत ही खराब चराई है वो। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे बाकी लोग कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ मतलब ज़ोको वैली में वैसे जाना पड़ता है, इस रूट से जाना पड़ता है। ये सिंगल रूट है जहाँ से आपको जाना पड़ेगा, और कोई रूट नहीं ज़ोको जाने के लिए, ठीक है। तो 6 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो मतलब आपको ऐसे ही है। ज़ोको वैली जाने के लिए इन द टाइम ऑफ दिसंबर आपको कुछ चीज़ें या सामान बहुत ज़रूरी के हिसाब से लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पिक्चर में दिया हुआ है, यू शुड हैव ए बैकपैक, बैग है, एक स्लीपिंग बैग चाहिए आपको, एक थर्मल चाहिए जो अंदर मतलब आपको गर्मी दे देगी, जैकेट चाहिए आपको, फिर जंगल बूट, देन ए टॉर्च, ग्लव्स, कैप, वेस्ट बैग, थर्मल हाई नेक, देन बालाक्लावा। बालाक्लावा क्या चीज़ है कि मतलब ये आपको ना आपके फेस को ठंड के चपेट से बचा देगी, बालाक्लावा ये वो चीज़ है, ठीक है। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम अमेज़न, आपको मिल जाएगा आराम से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम किग्वामा। तो अभी हम ज़ोको वैली के लिए जा रहे हैं। तो our team ready तो अभी हम बिश्वेमा एक डिस्ट्रिक्ट है, उससे आगे हमें ज़ोको जाना पड़ता है, ज़ोको वैली। अभी ट्रैकिंग साइट पे जाने के लिए अभी 5 मिनट और लग जाएगा। तो अभी हम एक व्यू पॉइंट में आए हैं जहाँ से थोड़ा बहुत व्यू आपको दिखाएंगे। You can see we've got Commando with us. Hello, Shonko. So you can see the view, actually. The clear view. तो आगे चलते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या है। तो और थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे हमारे ट्रैक पे। अभी हम ज़ोको की एक्चुअल एंट्री पॉइंट में आ चुके हैं। सो ट्रैकिंग जहाँ से शुरू होगी वो है पॉइंट ये वाला, you can see पॉइंट। अभी सीधा ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। सो हमारे ट्रूप सारे यहाँ पे ही हैं, और ये वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू ज़ोको वैली। तो हमारे सारे साथ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी हालत। तो अब हम अपने हाईएस्ट व्यू पॉइंट में आ चुके हैं। You can see the view. Here it is. अभी हम ज़ोको वैली में कैंपिंग साइट पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दूर में ना एक वो एक घर दिख रहा है, वो है हमारी कैंपिंग साइट। तो 9 या 10 AM से लेके अभी तक हम चल रहे हैं। सो हम वहाँ पहुँचेंगे, वो कैंप दिखाएंगे रात को, और मज़ा आएगा। बॉनफायर होगी, चिकन पॉट, बहुत कुछ होगा। सो आई थिंक वी विल एंजॉय अलॉट। यू शुड कम ज़ोको वैली एंड यू शुड स्पेंड 1 नाइट एटलीस्ट, यू विल एंजॉय द होल डे। बिलीव करो ठंड बहुत है यहाँ पे, कम से कम 3 से 4 डिग्री होगी। सो आपको थोड़ा रास्ता दिखाएंगे कैसा है। रास्ता बहुत ही ख़राब है, आपको थोड़ा दिखा रहे हैं, क्योंकि टोटल ये जो रास्ता था हमारा 2 घंटे का बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो आपको दिखाना पॉसिबल नहीं था। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा दिखा दें ये रोड, फिर आपको सर व्यू दिखा देते हैं ना, या सर व्यू देख लो थोड़ा। अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, और अगर हालत देखोगे ना रास्ते का, रास्ता इतना अच्छा नहीं है। मैं ज़्यादा देर वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे तो सपोर्ट चाहिए कुछ पकड़ने के लिए। सो मिलते हैं आगे कैंप साइट में जाके गाइस। तो अभी हम कैंप साइट में आ चुके हैं, यू कैन सी व्हाट्स द कैंप साइट देयर। सो ये हमारा टेंट है,
एक हमारे साथी है, अंदर ऑलरेडी शंखो भी है। तो अभी तो भाई ये टॉर्च ही है जो काम कर रहा है। तो मज़ा बहुत आने वाला है गाइस। ठंड बहुत है, ठंड कम से कम 1-2 डिग्री है, मे भी 0 हो सकता है। देखो यार, तो खाने के लिए सब्जी है, दाल है, चिकन है जो नागा स्टाइल है, ये जो जोको वैली है सही फूड वहाँ से मिल रहे हैं, तो लोकल सर स्पाइसेस से यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। तो पहले यार फर्स्ट थिंग इज लाइट इज अवेलेबल हियर, तो कैसे आपको बताएं कौन सा फूड कैसा है। तो लाइट मैंने ऊपर लगा दिए, फाइन। तो बताते हैं भाई खाना क्या है कैसा है। आई थिंक यू मे नॉट लाइक दिस वीडियो बिकॉज लो लाइट। लेट मी टेल यू, वी आर 6,000 feet अबव ग्राउंड लेवल एंड इस लेवल में हमें खाना मिल रहा है, इसमें हम बहुत खुश हैं। तो पहले सब्जी ट्राई करते हैं, विद द फर्स्ट वेज फर्स्ट। बहुत गर्म है यार, ठीक है। ये आलू और साथ में से बीन भी है इसमें, तो ट्राई इट। डेट में बताऊँ फॉर काइंड ऑफ सिचुएशन इज 9। कम ऑन गाइस, शुड बी 9। ओके, यू शुड ट्राई द दाल। दाल इज हियर। तो ये मसूर दाल है, दिस इज द दाल आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, दाल में नमक कम है पर गर्म बहुत है यार, तो टेस्ट इज गुड। इट इज 8 बिकॉज इट्स 6,000 feet, यू गेट सच काइंड ऑफ मील, शुड बी हैप्पी राइट। नाउ लेट्स ट्राई सम चना। चना अभी यहाँ पे, तो चना को बताते हैं, छोटा तो ट्राई करते हैं। लुक्स लाइक इट इज मेड विथ दैट रेड चिली, देखते हैं। गुड है यार, सो गुड। चिकन है, द चिकन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो ट्राई करते हैं, इज नागालैंड चिकन, सो दे हैव नॉट मिक्स्ड मिक्स सो मच मसाला हियर, मिक्स इज बॉइल्ड। लेट्स ट्राई इट। यार दिस हॉट एनफ एंड आई लाइक इट। मॉर्निंग फ्रॉम गोयल, हाल दिखाते हैं ठंड में क्या हाल होता है। तो ये कैंपिंग थी हमारी और कैन यू गेस दैट व्हाइटिश पार्ट ऑफ दैट ग्रास इन गैस इज ऑल आवर आइस। Snowfall was there. बर्फ की चादर से ढका हुआ जोको वैली दूर से बहुत अच्छे लग रही है। ये बहुत दूर है एक्चुअली, पता नहीं हम जा पाएंगे कहीं। चाय भी डल रही है, दिखाते हैं। तो ब्रेकफास्ट अभी तक बिस्किट और चाय यहाँ पे है, ब्रेड है, बटर है, अंडे हैं, साथ में केक भी है और सरप्राइजिंगली एक पेटल भी है। तो वो ट्राई, ये जो मिल रहा है बहुत है हमारे लिए इतने हाई बजट में, ट्राई कर रहे हैं। तो अभी तक तो भाई खाना नॉर्मल है, ले जाएंगे और बेहतरीन खाना मिलेगा, खाएंगे खाएंगे। एक्चुअली पिछली वीडियो में जो मैंने कहा था कि जो सेकंड पार्ट आएगा नागालैंड का, उसमें जोको वैली प्लस हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आएगा, पर ये जोको वैली इतनी लंबी होगी तो हॉर्नबिल को मैं अगले पार्ट में ला रहा हूँ। तो इसके अगले पार्ट में कोहिमा फूड फेस्ट आएगा, ठीक है। सो हमारे साथ बने रहिए, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर। Thank you.